बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 97 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सीरत पलोच। नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पाक फौज के शोबाए तालुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिस्र के सफीर तारिक मोहम्मद राहरोग ने GHQ में मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मिस्र के साथ हर शोबे में तालुकात को फरोग देना चाहते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि मुज़ाकरात और डायलॉग का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन इस डायलॉग की क्या हैसियत होगी जिसमें हुकूमत नहीं होगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवारों ने जीता है, क्योंकि वोट बैंक के हिसाब से भी आज़ाद उम्मीदवार ही जीते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि स्क्वाड दौरा न्यूजीलैंड के लिए पुरजोश है। न्यूजीलैंड में कारकर्दगी अच्छी होगी, रन सिर्फ बाबर आजम ने नहीं करने। कौमी स्क्वाड 23 नवंबर की सुबह न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगा। स्क्वाड 35 खिलाड़ियों और 20 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल है। स्क्वाड में पाकिस्तान शाहींस के भी खिलाड़ी और ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। कराची के 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन और 2 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स का इजलास हुआ, जबकि इजलास में सेक्रेटरी हेल्थ काजिम जतोई ने भी शिरकत की। 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में GB2 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फताउल्ला खान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद से सिर्फ 2 वोटों के फर्क से इलेक्शन जीते, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नतीजे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और जियालों ने धरना दे दिया। ये थी अब तक की ताज़ा खबरें। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए 97newstv.com। मिलते हैं मज़ीद खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सीरत बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।